अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाशिंगटन डीसी से जहाज़े वली बेबाक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत बड़ा एक मामला चल रहा है अमेरिका का। दो बड़े मामला थे इस वक्त अमेरिका में, कोरोना वायरस और दूसरे सयाह फामों के मुजाहरे, और दोनों इन मामला को कंट्रोल करने में ट्रंप इंतजामिया नाकाम नजर आती है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तजिए हैं, आज बड़ी अपडेट्स हुई है। इन सब मामला पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ बहुत ही मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर जावेद। डेमोक्रेटिक रहनुमा है, पाकिस्तानी काकस जो है कांग्रेस में उसके फाउंडिंग मेंबर है। उनके साथ मौजूद है जनाब साजिद तारण, मुस्लिम ट्रंप के बानी है। उनके साथ मौजूद है जनाब मंसूर शम्स, यूएस मैरीन है, पाकिस्तानी यूएस मैरीन। बहुत हमारे लिए फखर की बात आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ आए हैं। उनके साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर रॉ कामरान अली, जो के पाक पैक के सदर है, और साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे मेंटोर जनाब अनवर इकबाल, न्यूज पेपर कॉरेस्पॉन्डेंट वॉशिंगटन डीसी में। तो गुफ्तगु का आगाज हम करेंगे जनाब साजिद तारण साहब से, मुस्लिम फाउंडेशन। साजिद तारण साहब, आपके बयानात में सुनता आ रहा हूँ, दो तीन रोज हो गए मैं आपके बयानात देख रहा हूँ, आप सदर ट्रंप को आउट जाके सपोर्ट कर रहे हैं। आपका तजिया जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, जो मुजाहरे हो रहे हैं ये बिल्कुल बेवजह हो रहे हैं, इसकी कोई वजह नहीं है, और आप किस तरह देखते हैं इस तमाम मामले को? देखिये, इसकी वजह मौजूद है, इसमें प्रेसिडेंट साहब ने खुद इस चीज का इजहार किया, उन्होंने कार लवाकिन को की और उनको इंसाफ की यकीन दहानी कराई। लेकिन ये मसला आज का नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। जब फर्गुसन जल रहा था, जब शार्लट जला था, जब बाल्टीमोर जला था, तो उस वक्त इस कंट्री का वाहिद अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट था, और उन्होंने वादे किए थे पुलिस रिफॉर्म के, पुलिस ट्रेनिंग के, जुडिशियल रिफॉर्म के। आज आप एक तो मुजाहरा होता है, मैं थोड़ा सा आपको डाटा बताना चाहता हूं कि आज तक जिस दिन से ये शुरू हुआ है 63 लोग अपनी जानें जाया कर चुके हैं, जिनमें 4 पुलिस वाले हैं। 800 मिलियन से लेकर 1 बिलियन डॉलर तक की मिलाग या जलाई जा चुकी है या लूटी जा चुकी है। तो मैं इनको मुजाहरे, इनको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुजाहरे हैं, ये प्रोफेशनल लूटिंग है, इंतीफा है, ब्लैक लाइफ मैटर है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से कोरोना पे पॉलिटिक्स की गई है, उसी तरीके से इस टॉपिक पे पॉलिटिक्स हो रही है। अब उसमें मैं छोटा सा ये इसकी जवाब देना चाहूंगा, NYPD के जो यूनियन के सदर हैं, उन्होंने खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें बचाएं, हमारे साथ हालात खराब हैं। 500 लूटर्स को अरेस्ट किया गया और शाम को उनको छोड़ दिया गया, और उसके लिए न्यूयॉर्क की बात मैं कर रहा। उसके बाद दूसरा उसमें मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को ट्विस्ट किया जा रहा है। आज जो वॉशिंगटन डीसी में दो बातें आज वो मैटर साहब ने अपनी किताब लिखी है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक मुतनाजा सा एक स्टेटमेंट दी है, वो मेरे ख्याल में वो अपना चूरन बेचना चाहते हैं, उसमें वो इज गेटिंग सक्सेसफुल। दूसरी बात जिसको ट्विस्ट दी जा रही है कि सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस ने कहा है कि आर्मी हम नहीं भेजेंगे, उसको ट्विस्ट इस तरीके से किया गया है कि उन्होंने कहा है कि मैं खुद सोल्जर रहा हूं, आर्मी इज ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट, इसको आप, और अभी तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे, ये उनके बात थी। और दूसरी उसमें बात ये ना कि मैं आप इसको मैं कंडेम करूंगा खुद उनकी जो मौत हुई है, चारों पुलिस ऑफिसर्स जो है वो सस्पेंडेड हैं, चारों के ऊपर चार्जेस लग चुके हैं, थर्ड डिग्री से चेंज करके। बिल्कुल साजिद तारण साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने आपने कहा कि आप जो कानूनी कार्रवाई हो रही है आप उसको सपोर्ट करते हैं। ताहिर जावेद साहब, आपकी तरफ आऊंगा, साजिद तारण साहब कह रहे हैं कि ये मुजाहरे नहीं, ये लूटमार हो रही है, तो हर जगह का लूटमार हो रही है। ताहिर जावेद साहब, देखें, दो तीन चीजें जो हैं, मुझे इसके ऊपर बड़ा सीरियस इख्तलाफ है कि एक तो ये कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल वन डेथ, और इट्स नॉट जो पुलिस रिफॉर्म ये वो किसी ने किया नहीं किया, ये सारी बात की बातें हैं, ये मतलब विच इज ट्रू, आई अग्री विद दैट कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इट्स अ फेलियर ऑफ अ सिस्टम। ये जो पुलिस है उसकी जो जो ब्लैक एक माइंडसेट, मैं सादे लफ्जों में इसको बताता हूँ कि बहुत सारे पुलिस वाले समझते हैं कि कालों को सीधा करने का यही एक फार्मूला है, ये जो माइंडसेट है ना कि यही एक फार्मूला है कि उनके साथ बगैर किस सोचे समझे इस तरह का ब्रूटल जो बिहेवियर रखा जाए। अच्छा, ये सिंपल आप जब इसकी किसी की एथनिसिटी और स्किन कलर की वजह से करते हैं तो दैट्स रेसिज्म।
अच्छा अब ये चीज एक सिकनेस है, ये एक कह लें कि एक लाजत है इस माशरे की, जिसको रिमूव करना चाहिए। अब यहाँ पे इसको अगर ये चीज एस्टेब्लिश हो जाती है, अगर इसको सब मानते हैं, तो उसके बाद इसको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो कहते हैं कि ऑल कॉप्स आर नॉट बैड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉप्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम दैट डिक्टेट्स द पीपल टू डू द सर्टेन थिंग्स दैट दे द वे दे डू एवरी डे। तो उसके लिए आपको एक रिफॉर्म्स और क्लीन माइंडसेट चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरे का पूरा जो पुलिस का सिस्टम उठा के ट्रैश में फेंक देना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी पुलिस इतने सालों से चलती आ रही है, उसको आज तक कोई सीधा नहीं कर सका, लेकिन हाईवे पुलिस जो बनाई गई ब्रांड न्यू, वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका एक जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो की गई, उसके जो बीज बोए गए, उसके जो सीड्स थे, वो उसके अंदर वो गलाजत नहीं थी जो इस जो कॉप्स का जो सिस्टम है ना, जो स्लेवरी से चला आ रहा है, या जो लॉर्ड्स ने बनाया था उनके लिए जिनके ऊपर वो हुकूमत करते थे। तो ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए इट्स नॉट हेल्पिंग पीपल, इट्स ओनली हेल्पिंग द टॉप एलीट फ्रॉम एवरीडे पीपल, दैट्स व्हाट द माइंडसेट इज। अब दूसरी बात, जो लूट मार की बात हो रही है, यस अगर आप इसको लूट मार कहते हैं ना, तो लूट मार को तो ऊपर से नीचे खत्म चाहिए ना। सबसे पहले प्रेसिडेंट साहब की अपनी लूटमार, जो तकरीबन पिछले 25-30 सालों से एक भी टैक्स का डॉलर पे नहीं किया, दैट्स अ सीरियस लूटमार, सबसे पहले उसको अरेस्ट करके तो हवालात में फेंके, उसके बाद किसी उस बंदे को जिसने एक प्लाज्मा टीवी उठाया उसकी बात करेंगे। लूटमार ऊपर से नीचे आनी चाहिए। तो ये बड़ी सिंपल कहानी है कि ये लूटमार जो है ना, जिसको लूटमार इज अ रिएक्शन। अगर मैं समझता हूं कि मेरी गर्दन के ऊपर गोडा रख के मुझे मारा जाएगा, तो मैं तो पूरे का पूरी स्ट्रीट को जला दूंगा, मेरे बच्चे पूरी स्ट्रीट को जला देंगे, मैं सिस्टम को आग लगा दूंगा उसके बाद। तो इसलिए इसको लूट मार में गिनना, ये सारी जो चीजें हैं, दिस इज नॉट सिंपल थिंग एज वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब दैट। जी ताकि मैं जरा बाई पार्टीजन व्यू ले लू, पाक के सदर हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर राव कामरान अली। सर ताहिर जावेद भी बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं और साजिद ताहिर साहब भी बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, बाईपार्टिज़न व्यू देंगे जरा क्या हो रहा है इस मुल्क में? जी थैंक यू सो मच जहांजे भाई, एंड दोनों की राय बहुत मोहतरम है। देखिए मेरे, मैं आपको बताऊं कि वो वीडियो मैंने भी जरा देखी है जॉर्ज फ्लॉयड से, जब उन्होंने रखा हुआ था अपना नी, और मैं जो कि पेन मैनेजमेंट डॉक्टर और स्पाइन से मेरा ताल्लुक है, तो उसको सांस लेने से पहले वो जो कह रहा था मेरे पूरे जिस्म में कुछ हो रहा है। सो इट वॉज नॉट ओनली कि उसको सांस रुक रहा था, बस कि उसके स्पाइन पे कंप्रेशन भी था, तो सब तो दिल करता था वहीं फंदा लगाकर उस पुलिस वाले को भी फांसी लगे। लेकिन देखें ये चीजें इतनी आसान नहीं है कि हम उसको एक वाक्य की बुनियाद पे या चंद वाक्यात की बुनियाद पे पूरे सिस्टम को डीरेल करना चाहें। मैंने सर्जरी इंटर्नशिप की थी जकोबी मेडिकल सेंटर ब्रॉन्क्स में, जो कि दुनिया का बदनाम तरीन इलाका है और वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज्यादा है। तो मैंने यही हाल पुलिस वालों का देखा है, जो बर्फ के सूए हैं वो उनके सीनों में खुबे होते थे, उनके सरों में खुबे होते थे अफ्रीकन अमेरिकन के हाथों। और मैं वहाँ उन दिनों, ये बात 2006 की, और मैं मिला था वहाँ मेयर थे उस वक्त माइक ब्लूमबर्ग, वो रात को 2 बजे आए थे, बहुत सारे पुलिस वालों को मारा गया था और उनका पता करने। देखें बात यह है कि उस बंदे ने गुस्से में किया है, और आपको पता है फर्स्ट डिग्री तो नहीं लगा उसके ऊपर मर्डर, तो जाहिर है कोई वो प्री मेडिटेटेड नहीं था। उसको जो भी हो जाती है, हो सकता है उनको डर हो, आपने ये देखा है इसमें बड़े सारे पहलू हैं। एक ये है उनको खौफ होता है, एक उनको गुस्सा भी होता है, एक डर ही होता है, 7 फुट का काला उठ गया तो ये हम सबको भड़का देगा। कितनी बार आपने देखा है कि जब वो अफ्रीकन अमेरिकन को पकड़ते हैं, वो हाथ से निकल के कोई गन निकाल के सबको मार देता है। तो इसमें देखें आपको थोड़ा सा पुलिस का भी सोचना पड़ेगा, उनके भी बाल बच्चे हैं, और इसलिए ये इतना नहीं है, वो भी मरते हैं। तो ये चीज जो है ये दोनों तरह दोनों एंगल में देख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम रिपब्लिकन या डेमोक्रेट नहीं, हम अमेरिकन है, ये हमारा मुल्क है, और हमने वो बात करनी है जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। और जहां से भाई आप इतनी लूट मार के बावजूद डीसी में स्कूल से क्यों सो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पुलिस है। अगर ताहिर जावेद साहब माशाल्लाह इनकी इतनी इतना कारोबार सब कुछ है, ह्यूस्टन में इतनी आग लगी है, क्यों ये सुकून से सो रहे हैं, इनको पता है पुलिस है। तो इस वजह से आपको इन दोनों चीजों को देखना है, जहां उनका कसूर है वहां उनको सजा मिलनी चाहिए, जहां उनका कसूर नहीं है बिला वजह पूरे मुल्क। राव साहब सजा तो इस मुल्क में हर उस शख्स को मिलती है जो कानून पर अमल दरामद ना करे या कोई बड़ा जुर्म करे, इस बात में तो कोई शक नहीं, कानून की अमलदारी ही इस मुल्क की तरक्की का राज है।
मंसूर शाम साहब आपकी तरफ आऊंगा, कोई पहला मौका नहीं है कि किसी से आम शख्स को, एक अफ्रीकन अमेरिकन को जो है बेदर्दी से सड़क के ऊपर कत्ल कर दिया गया। रिफॉर्म्स कब आएंगी? प्रेसिडेंट ओबामा का 8 साल का दौर गुजरा, उन्होंने मायूस किया, एक सिंगल इस्लाहात रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सके इस मामले के ऊपर। मंसूर शाह साहब आप कैसे देखते हैं, आप तो इस मामले में बड़ी बात, आप रहते भी सैफ अमो के इलाके में हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए नंबर वन, ये जो चीज है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जो सालों साल से, सेंचुरी से आप कह लें, ये चलता आ रहा है जो रेसिज्म का इशू है। जहाँ तक मेरी अपनी, बाय द वे अपनी जो मेरी जो बहन है, मेरी सिस्टर है, वो पुलिस फोर्स में है इधर ही मैरीलैंड में, एंड ऑब्वियसली जब उन्होंने वो फुटेज देखा, 20 बाय द वे 20 साल हो गए उनको पुलिस फोर्स में, जब उन्होंने ये फुटेज देखा तो भी बड़ा एक लंबा फेसबुक के ऊपर लिखा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो शुरू में कॉमेंट नहीं करना चाह रही थी, बट देन जब उसने कुछ दिन गुजरे, सारी इन्फॉर्मेशन आने लगी, उसने कहा कि मतलब जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने पॉलिसीज नहीं फॉलो की। अभी भाई बोल रहे थे कि अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं वो ब्रॉन्क्स में काम कर रहे थे, यूके में, ये सारा कुछ। देखिए वहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वी हैव 4 पुलिस ऑफिसर, एक बंदा है, 4 पुलिस ऑफिसर है, मतलब इसमें कोई शक ही, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है कि उन्होंने उस बंदे के साथ जो किया है वो नथिंग लेस देन मर्डर था। नाउ जहाँ तक ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये ओबामा आया था, ये आया था, वो आया, आई मीन जो कि रियलिटी है वो ये कि ये चीज़ें जो है लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, इट्स नॉट अ टॉप प्रायोरिटी। एंड शायद जो आजकल जो राइट्स हो रहे हैं जिस हद तक पहुंच गए, शायद इन्हीं चीज़ों से अब चेंज कुछ आना, यू नो, कुछ आ सकता है। बिकॉज अब इतनी, जैसे उन्होंने कहा अभी कि $1 billion, मुझे नहीं पता था इतना डैमेज हुआ है, बट $1 billion वर्थ ऑफ डैमेज एक रियलिटी चेक है अमेरिका के लिए कि लाइक अब हमने क्या करना है। लोग तंग आ गए, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर सोशल मीडिया ना होती ना, लाइक यकीन कर ले, अगर लोगों के पॉकेट्स के अंदर फोन ना होता, कैमरा ना होता, ये चीजें जो ये क्या नाम था, ये जो बंदा था, आई थिंक डेरिक शवेज जिसने ये मारा उस बंदे को, उसने कल कहां पे आ जाना था, कुछ भी नहीं हो रहा था, इट वुड बी लाइक बिजनेस एज यूजुअल। तो मैं कहता हूँ कि आज जो जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर जो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, सारी अटेंशन आ रही है, बिकॉज की जो सोशल मीडिया का जो कंपोनेंट है वो हमें असिस्ट कर रहा है, और ये चीजें अब छुप नहीं रही जिस तरह पहले छुपी रहती थी। हमारे बाद साहब आप किस तरह इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि बड़े चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है अमेरिका और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के मामले पर, अभी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार खुला हुआ था तो ये मुजाहरे शुरू हो गए, देखिये हर माशरे में दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है तब्दीली की, रिफॉर्म्स की, और एक होती है कंसोलिडेशन की, जिनको हम कहते हैं प्रोस्टैब्लिशमेंट। होता यह कि आपने कहा कि मुल्क में गुलामी है, तो गुलामी को अब थोड़ी सी रिफॉर्म लाई जाए जी, कि गुलाम आज़ाद भी हो सकते हैं, अच्छा चलो आज़ाद भी हो गए, फिर आप कहते हैं कि आज़ाद हो गए तो अब गुलामी को अबॉलिश कर दिया, जो गुलामी को अबॉलिश भी कर दिया, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये उनको हकूक भी दी जाए, कहते हैं हकूक भी दे दिए, अब कहते हैं उनको हकूक से फ़ायदा और इस्तफादा करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। तो ये है रिफॉर्मिस्ट फोर्सेज जो मुसलसल कोशिश करती रहती हैं, और माशरा इन दोनों मुतजाद फोर्सेस की जद्दोजहद का ही नाम है, उसी से माशरा आगे बढ़ता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जो फोर्सेस हैं वो कहती है कि नहीं, आपने ये एक रिफॉर्म कर दिया है, गुलामी ख़त्म कर दिया, आप यहाँ पे बैठ के इसको इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसको महफूज करें, इसी के अंदर माशरे को बनाने की कोशिश करें, मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो अफरा तफरी बचेगी और बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब होता यह है कि इस पूरे प्रोसेस में होता यह है, कभी एक फोर्स एक्सीड कर जाती है, कभी दूसरी, जो एक्सीड कर जाती है या जिस तब्दीली का वक्त आ चुका होता है उस तब्दीली को आना होता है। इस वक्त यह है कि जो सियाफाम हमारे यहाँ रह रहे हैं उनकी जद्दोजहद उस हद तक पहुंच गई है जहां उनके साथ जो होने वाली ज्यादतियां हैं उसमें तब्दीली का वक्त आ गया, और उसमें सियाफाम की जद्दोजहद का सिर्फ मसला नहीं है, माशरा बदल गया है, माशी फोर्सेस बदल गई हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदल गए हैं, सेलफोन हर चीज को हाईजैक करता है, उसमें ये जो पुराना तरीका है, तरीक़ाकार है पुलिस का,
वो अब नहीं चलेगा। तो अब इस वक्त ये हो गया कि आपको रिफॉर्मिस्ट की बात माननी पड़ेगी, एक रिफॉर्म लाना पड़ेगा ताकि माशा तब्दील हो, और उसके बाद फिर उनका अमल होगा जो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज हैं वो उसको कंसोलिडेट करेंगी। तो ये जद्दोजहद है, इसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सिलसिला है रोज़ो शब तारे हरीर दुरंग जिससे बनाती है ज़ात अपनी कबाय सिफात। तो ये सिलसिला है रोज़ो शब है, तारीकी भी और रोशनी भी, और ये दोनों फोर्सेज है, इसकी जद्दोजहद है। इसमें मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि तब्दीली की जो फोर्सेज हैं उनकी हिमायत करने की जरूरत है। साजी तारण साहब, देखा जाए जब भी कोई पहला वाकया नहीं किसी सियाह फॉर्म को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया हो, लेकिन हमने देखा है कि जो सियाह फॉर्म अमरीकी हैं, अमेरिकन हैं, उनका रवैया थोड़ा सा तोहीन आमेज होता है, थोड़ा सा कहा जाए कि थोड़ा सा कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, गिरफ्तारी के वक्त इस तरह की बात करते हैं, पुलिस तैश में आ जाती है और इस तरह के वाकयात पेश आ जाते हैं। आप खुद बाल्टीमोर में रह रहे हैं इतने अरसे से, आपको तो सारा नेबरहुड, आपकी सारी जिंदगी जो सियाह फॉर्म अमरीका में गुजरी है, क्या ये बात वाकई दुरुस्त है कि उनका एटीट्यूड का भी मामला जो है वो इसकी वजह से प्रॉब्लम बनता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको कि जहांजेब भाई, इस मेमोरियल डे वीकेंड पे बाल्टीमोर में 7 मर्डर हुए एक वीकेंड पे। ये इस वक्त सीरिया से बदतर इलाका है इस वक्त। और दूसरा मैं ये कहूंगा, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ओनली अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो शिकागो से आया नारा लगा के होप और चेंज का, अगर वो रिफॉर्म नहीं कर सका, और इसको मैं अपने सारे भाइयों को ये कहूंगा कि जरा एहतियात से, वो इसलिए कि अभी जो बाइडन साहब ने ओन करने वो 8 साल, ये रिफॉर्म जो बाइडन को करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं डिलीवर की, वो फेल हुए हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके टैक्सेस एन इशू है इन क्रिमिनल, तो किसी कोर्ट में उनको चार्ज करना चाहिए, उस लूप को बंद करना चाहिए। ये इज ओपन थिंग, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि इसको चैलेंज करना चाहिए कि वो टैक्सेस अपने लेकर आए। अब उसे आगे मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन मार्क है, डोनाल्ड ट्रंप साहब फोर्ड के फैक्ट्री में गए हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना, CNN ने आधा दिन उसको चबाया है, अब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं आजकल, तो बात इस वक्त कोरोना की हो रही है कहीं पर? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक माइंड सेट है, वो माइंड सेट ब्लैक लाइफ मैटर का है, चाहे अंतीफा का है, चाहे डेमोक्रेट पार्टी का है। वो ये समझते हैं कि जितनी दुकानें ज्यादा टूटेंगी, जितना ज्यादा लूटा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हारेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले इलेक्शन में भी गोरों ने बाहर निकल के नारा लगाया था कि वी वांट आवर कंट्री बैक, सोए पड़े थे पिछले 30-30 साल से गोरे। आप उनको बता रहे हैं कि दोबारा फिर निकल के वोट डालो, और वो डालेंगे इस दफा, इसमें कोई शक नहीं है। और किसी एक बात ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लूटा गया है, मुझे आज एक और चैनल पे किसी ने कहा जी ये लोग बच्चे अपना गुस्सा, तो मैं किसी पे का स्टोर लूट के आपका गुस्सा बोलो, आप शनेल का स्टोर लूटते हैं, आप रोलेक्स 2.5 मिलियन डॉलर की रोलेक्स न्यूयॉर्क से लूटी गई है, आप सिर्फ रोलेक्स का स्टोर लूट के आपका गुस्सा कम होता है? मेरी समझ से बाहर है कि आप वायलेंस में अपने। और तीसरी एक बात और अब चार आदमियों को बताना चाहता हूँ, हम जो चारों हम सब ने ये पे करना है सारा कुछ, चाहे हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंसिव हो जाए, चाहे किसी तरीके से। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, स्लेवरी 400 साल पुरानी थी, आज तक वो कहते हैं हमें एंटाइटलमेंट दो स्लेवरी पे, हम चार बंदे एक कंट्री से आए हैं जहाँ जो कॉलोनी थी ब्रिटिश, हम यहाँ आके। साजी साहब मेरी एक बात का जवाब दे दें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये क्या मुजाहरे बिल्कुल बेतुके हो रहे हैं, इनकी कोई तुक नहीं है? मुजाहरे पुरअमन समझते हैं, पुरअमन मुजाहरा किसको कहते हैं? मुझे पाकिस्तान से लोग पूछ काले कर करके, जिस कंट्री के कोई हालात नहीं, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां से काले कर करके लोग पूछ रहे हैं कि यार उत्थे तुसी ठीक ते आओ। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से लूटा जा रहा है, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिन खवातीन की बात की, उस खातून की वीडियो आपने देखी है जिसको 6 लोगों ने मिलकर मारा और वो कोमे में, लास वेगस का काला पुलिस ऑफिसर अभी कोमे में जिसके सर पे गोली मारी गई, 63 बंदे अपनी जाने अपनी जाया कर चुके, आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे उनको? मुजाहरों के साथ, ये मुजाहरे कहते हैं आप, इनको आप मुजाहरे कहते हैं जिनमें 63 बंदा मर चुका है, 2300 बंदा जख्मी हो चुका है, 500 बंदा न्यूयॉर्क से सुबह अरेस्ट करते हैं शाम को छोड़ देते हैं, आप इनको मुजाहरे कहते हैं? मैं एग्री कर लेता हूँ, जिस तरह आप मानते हैं मैं मान जाता हूँ, अगर आप ये कहते हैं ये तकरीबकारी नहीं है, मैं इसको होम ग्रोन टेररिज्म कहूंगा,
अगर आप नहीं मानते तो मैं आपसे एग्री कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं, एक जो पाकिस्तानी लड़की निकली है सर वो काकटेल की बोतल लेके पुलिस पे ऊपर फेंकने के लिए, जो वकील थी वो एहतजाज कर रही थी कि वो मार रही थी पुलिस को, मार रही थी। इस तरह के वाकयात हुए, मैंने खुद देखा है, दुकानें लूटी गई है न्यूयॉर्क के अंदर बहुत। नहीं मुझे जवाब दे, नहीं वो जो लड़की पाकिस्तानी लड़की वकील थी जो वो काकटेल की बॉटल फेंक रही थी और पूरी अपनी वैगन भर के लेके जा रही थी, ये एहतजाज है? रिएक्शन ऐसी होता है सर, रिएक्शन प्लान नहीं होता, रिएक्शन मारे फिर मैं नहीं मारे, नहीं प्लान करके नहीं मारा जाता, फौरी होता है रिएक्शन जी। और ठीक करके गए फिर सर, मुझे ये बताया कि जो बाइडन अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं किस तरह ऑन करेंगे ये अपने पीरियड को, शार्लट को, बाल्टीमोर को और ये फर्गुसन को किस तरह ऑन करेंगे ये आप आज डोनाल्ड ट्रंप से क्यों पूछ रहे हैं? आप देखिए एक टिपिंग पॉइंट होता है, चीजें नीचे हीट अप होती हैं, होती हैं, होती हैं, उसके बाद जाके उबल जाती हैं, तो आप ये हीट अप हो रही होती है। वाहिद अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अगर वो इस मसले को सॉल्व नहीं कर सका, वो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर सका, तो आप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों आज खड़े हो रहे हैं? क्यों नहीं, टिपिंग पॉइंट आ गया ना सर, टिपिंग पॉइंट आ गया, चीजें उबलने लगी हैं। उस पर नहीं था चीजों को आप मैन्युफैक्चर उस पर स्टेफनी रॉलिंग ब्लेक मेयर थी बाल्टीमोर की, उसके लफ्ज मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, सीबीएस जर्नल था तो उसने कहा था लेट देम वेंट, इनको वेंट कर वेंटिलेशन की बात नहीं, रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन प्लान नहीं होता, रिएक्शन प्लान नहीं होता, रिएक्शन आपका 40 इंच का टीवी चोरी करके रिएक्शन है ये? नहीं आपने 16 टारगेट स्टोर लूटने जा रहे, ये इंफरादी वाकयात है, रिएक्शन जो होता है सर वो एक पॉइंट आ जाता है उसके बाद रिएक्शन होता है। अगर गुची स्टोर, अगर गुची स्टोर को जाके लूट के मुझे ये कहें कि आप अफसोस कर रहे हैं फ्लॉयड का, आई डिसएग्री। लेकिन सर रिफॉर्म्स होना जरूरी है ना सर, रिफॉर्म्स होना चाहिए ना सर, रिफॉर्म फिर ओबामा करे, इनको भी करना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ, होना चाहिए रिफॉर्म सर। मैंने पहले कोट किया, तीन शहर जले थे, मैं रहता हूँ बाल्टीमोर में, बाल्टीमोर में ही है जी मंसूर भाई, मैं उधर ही था उस सीबीएस के पास, फ्रेडरिक ग्रे, जब फ्रेडरिक ग्रे की चीज हुई थी जाके, वहां पे आइसक्रीम में पार्टी थी। एनीवे वो देखिए बात ये है कि आप बार बार ओबामा को कोट करते जा रहे हैं, मतलब आई एग्री यू नो वो एक वो प्रेसिडेंट था, बट देखिए अभी जो चीज हो रही है वो डोनाल्ड ट्रंप की वॉच पे हो रही है, आप ये इस चीज को और आपको हमें पता है कि यू नो वो गला रहे हैं लोगों को, उनके आप ट्वीट्स पढ़ लें, मीन उन्होंने आप इस तरह की जो चीज राइट्स हुए हैं जिस लेवल पे हो रहे हैं ओबामा के टाइम में तो नहीं हुए थे, मतलब क्यों नहीं हुए थे राइट जब ये बंदा जा रहे, आपको पता है अभी दो दिन पहले क्या हुआ है जो वॉशिंगटन वो वहां पे चर्च पे जाके जो गया है, मतलब उन्होंने पूरी जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी वहां पे पुलिस जाके फायरिंग कर रहे हैं रबर बुलेट्स एंड टियर गैस, तो आप क्या समझते हैं जब किसी के ऊपर जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है उसके बाद एकदम पुलिस आके मसलों में कर्फ्यू का वक्त शुरू हो गया था, कर्फ्यू का वक्त शुरू हुआ था, कर्फ्यू पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे इस वजह से बता दीजिए। दो तीन बातें की है कि वहां पे ये इंसिडेंट हुआ, वो ये बड़े सिलेक्टिव इंसिडेंट है, अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखिए अमेरिका में जो राइट्स हो रहे हैं आप उस चीज को डिस्काउंट ना करें। नहीं सर मैं बताता हूँ मैं क्यों ओबामा का नाम इसलिए लेता हूँ कि द ओनली अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट केम इनटू द पावर, अदरवाइज मैंने नाम नहीं लेना था, मैंने बिल क्लिंटन का नाम लिया। 200 साल के बाद आया है आप कुछ उसको आया 8 साल में रिफॉर्म क्यों नहीं किया, बाकी मिले उसको 8 साल मिले। साजी साहब वो कह रहे हैं कि वो तो 200 साल की तारीख है गौरव की, तो सैया फार्म तो सिर्फ 8 साल के लिए आया था, तो उसी के पीछे देखे वो अगर आपने कालों से ही उनको बैलेंस करना है तो आप पाकिस्तान भी तो कॉलोनियलिज्म में रहा है उसको, और उस वक्त स्लेवरी तो ट्रेड थी, उस वक्त तो वो शुगर प्लांटेशन का हिस्सा था, तो अब आप अच्छा तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा, गाड़ी
फ्रंट स्क्रीन से देख के चलाई जाती है कि पिछले मिरर से देख के चलाई जाती है। आपने अब उसको ही पकड़ के बैठे रहना, सारा मैक्सिको से आते हैं, घास काटते हैं, ब्रिज बनाते हैं, असुविधा हो जाते हैं, हम सारे जितने बैठे हैं हम सारे ठीक ठाक हो गए हैं, लेकिन सारा इन सारा गंद जो इनके पास ही है। मैं ये आर्गुमेंट, ये मैं इसको आई वॉन्ट बाय इट, रेसिज्म एंटाइटलमेंट, मैं आई वॉन्ट बाय इट। तारिक साहब, उसमें एक फर्क है, जरा फर्क है। देखिए, आप गुलामी की हिस्ट्री पढ़े तो उसमें एक बात बड़ी अजीबोगरीब थी कि वो गुलामों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता लिटरली, यानी ये कि एक फैमिली है जिसमें मियां बीवी बच्चे हैं, तो मियां को कहीं और भेज दिया, बीवी को कहीं और भेज दिया, भाई को कहीं और भेज दिया और बहन को कहीं और भेज दिया, और जाते उस पर बड़ी पोएम लिखी गई, सारे रोते थे, इसलिए तो पता था कि अब वो जानवर की तरह चले गए, सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे। तो उसकी वजह से उनका साहब आज भी हो रहा है नाइजीरिया में, आज भी बच्चे बिक रहे हैं 2,000 डॉलर। अब हम तो अभी अमेरिका में रहे ना, तो उसका पूरा फैमिली स्ट्रक्चर टूट गया और इसकी वजह से काला अब तक संभल नहीं सका है। आप समझ जाते हैं, नहीं मेरी एक बात समझ नहीं आती, आप सात समुद्र पार आके आप संभल जाते हैं, काला यहाँ का पैदा होके इंटाइटलमेंट लेने के बावजूद वो नहीं समझ सकता। अच्छा, तीसरी बात ये है, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी तरक्की की है, पूछे किस तरह उन्होंने अपना काला प्रेसिडेंट, 18% पॉपुलेशन का हिस्सा है, काला प्रेसिडेंट बनवा लिया उन्होंने, हर शहर का मेयर काला है, आधे गवर्नर काले हैं, आप कहते हैं तरक्की नहीं की उन्होंने। गवर्नर हो जाएंगे वैसे जिस तरीके से लगे हुए वो, जैसे तारड़ साहब कंपैरिजन कर रहे हैं, वो काला ये बन गया काला, दिस इज रेसिज्म, यू लुक डाउन अपॉन देम। तारड़ साहब, रेसिज्म इज नेचुरल थिंग। मैं 6.5 फुट का, तुम 6.5 फुट के नहीं हो, मैं 300 पाउंड का, तुम 300 पाउंड के नहीं हो, गॉड इज मेकिंग इज डिफरेंट, इनू तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते, तुसी एक पैमाने नाल हर बंदे नू नहीं देख सकते, तुसी वो तो सर रेसिज्म नहीं, वो तो वेटिज्म हो गया ना। नहीं नहीं, वो सर नेचुरल, सर नेचुरल है। अच्छा जी, नहीं नेचुरल, देखो नेचुरल नहीं है जब तक, देखो आप छोटे से अगर नेचुरल हो ना, तो आप एक एक साल के दो बच्चे काला और गोरा आपस में बिठा दें, अगर वो आपस में लड़ना शुरू कर दें एक एक दो दो साल के बच्चे, तो मैं इसको बोल दूंगा कि नेचुरल है। तो ऐसा नहीं है, ये सीखते हैं हम लोग वो आगे जाके, बल्कि आप उन दोनों को अलग अलग पाले आपको नहीं पता, लेकिन आप डाउन द रोड किसी बकरी के बच्चे को घास खाना, दैट्स नेचुरल। तो ये जो हेट है ना, हेट नेचुरल नहीं है, हेट सीखी जाती है, और दिस इज हेट बेसिकली। और हेट हम आपके सर, हेट आपके खिलाफ मेरे खिलाफ भी है, मुझे दिन में वो भी सीखी गई है ना, मुझे चार दफा गोरा कहता है, बैग पार्डन, आई कांट अंडरस्टैंड यू, गो बैक टू योर कंट्री वेयर यू केम फ्रॉम, ये कहते हैं सैंड निगर, सारा दिन कहते हैं। एग्जैक्टली, नाउ यू आर टॉकिंग माय लैंग्वेज। ना तो फिर उसको, ना तो फिर मैं छोड़ दूं काम करना, वो नहीं, वो भी मैं लूटना शुरू कर दूं फिर, वो भी गलत अच्छा चलो मैं आपके लूटने के ऊपर एक बात करता हूँ। देखें जी, 9/11 हुआ, और जिसने भी कायदा ने आकर के हमारे यहाँ पे दो बिल्डिंगें उड़ा दी और जो भी अपना किया, उसके रिएक्शन के अंदर, लफ्ज रिएक्शन आपने याद रखना है, उसके रिएक्शन के अंदर हमें बड़ा जेन्युइन चीज थी कि हमने अलकायदा को वहां जा करके मारना जहां पे वो उन्होंने अफगानिस्तान में वो पल रहे थे। लेकिन हम इराक में क्यों गए? इराक में जाने का कोई तुक नहीं था। चलो अगर हम इराक में गए भी हैं, तो वहां जाकर इन्होंने जेंटलमैन तरीके से बैठ के बात क्यों नहीं की? हमने उनकी सारी बिल्डिंगें क्यों उड़ा दी? हमने उनके सारा सिस्टम तहस नहस क्यों कर दिया? वी वांटेड टू मेक अ पॉइंट अक्रॉस। दैट्स व्हाट दिस रिएक्शन इज एवरी टाइम व्हेन यू सी के लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, देन द सेकंड स्टेप इज टू हाउ टू ड्रॉ एन अटेंशन, एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन गेट्स टू दिस लेवल। एंड ये बड़ी सादी सी मिसाल है, उनको जब उनको पता चला कि ये के असेंबली के अंदर बातों से हमारा अभी तक कोई हल नहीं निकला, प्रेसिडेंट बनाने के बाद भी हमारा हल नहीं निकला, जो आपके कहने के मुताबिक बड़े बड़े शहरों के मेयर बनने के बाद भी हमारा हल नहीं निकला, तो दिस इज अ रिएक्शन, जो अनवर साहब ने थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश किया। अब वो जो रिएक्शन है ना, वो कंट्रोल्ड नहीं होता, वो एक इज जस्ट एन एंगर, एंड दिस इज हाउ दे आर पॉइंट। वो रिएक्शन आपको किसी पार्क में क्यों नहीं ले जाता, वो आपको रोलेक्स की शोरूम पे क्यों ले जाता है?
अच्छा अब आपको किसी पहाड़ी पे क्यों नहीं ले जाता रिएक्शन, वो आपको गुची के स्टोर पे ले जाता है वो रिएक्शन। बिल्कुल, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। आप अभी इस वक्त आप भी और डोनाल्ड ट्रंप भी और बहुत सारे और लोगों की तवज्जो उन लोगों को हासिल हो गई ना, वो पार्क में नहीं होनी थी। रोलेक्स की दुकान तोड़ने के बाद तो जो अटेंशन हुई है उसके बाद आज देखें वो रीडू भी हुआ है। आप बात की सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है वो लूट रहे हैं तो वो ठीक लूट रहे हैं। नहीं लूट, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहे हैं जावेद भाई, ये सारे यही कहते हैं कि गुची के स्टोर लूटे हैं, ये रोलेक्स लूटे, मर्सिडीज लूटे, इनको मैं कहता हूँ पे हमने ही करना है इसका। अच्छा मैं इसका जहां से मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं, बड़ा जेन्युइन सवाल है आपका। अगर 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 $10 बिलियन आप तो 1 बिलियन कहते हैं ना, अगर 10 बिलियन डॉलर की इकॉनमी तबाह होने के बाद भी ये जो मसला आज अगर हल हो जाता है, आई एम रेडी टू पे दैट प्राइस। अगर काला प्रेसिडेंट नहीं कर सका तो ये होगा भी नहीं। देखें सर, फिर इसके अंदर वही दो चीजें हैं, क्योंकि हम इसको एक प्लेटफॉर्म एक टेम्पलेट पे हल नहीं कर सकते। एक है इमोशनल और एक है प्रैक्टिकल। इमोशनल ठीक है, जाहिर है जब कोई बंदा मरता है बुरे तरीके से और दुनिया देखती है तो सब कुछ तैयार आता है। मैं खुद भी मुश्तर हो गया था ये देख के। लेकिन फिर दूसरी बात जो तारक साहब ने की है, देखिए बात तो सही है कि आप कैसे इसका कंपेयर कर सकते हैं इराक से अफगानिस्तान से, जब आपको देखें 1965 में ये जेफ कैनेडी ने कहा था कि 50 साल के बाद कोई सियाफाम प्रेसिडेंट हो सकता है और वो हो गया। तो और कितने मेयर जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, हम डैलस में हैं, हमारे तीनों साइड के तीनों जो हैं कांग्रेसमैन जिनके साथ हम काम करते हैं, तीनों अफ्रीकन अमेरिकन हैं। अभी जो कॉकस जो ताहिर साहब की कोशिशों से और पाक पैक की कोशिशों से बना, शीला जैक्सन अफ्रीकन अमेरिकन है, अल ग्रीन अफ्रीकन, यानी कि हम नाम नहीं ले सकते, दो मुसलमान अफ्रीकन अमेरिकन जैसे की तालिस जिन्होंने आज दी जजमेंट। तो हमें इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन की और इसने जो इतनी हमें आज़ादी दे रखी है इसकी तोहिन है। ये एक हुआ है काम और इससे पहले भी होते रहे हैं। और जैसे इसका दूसरा रुख भी है कि जो पुलिस में मारे जाते हैं, तो ये यकीनन अगर ये पहले ही कर लेते जो आज की तलसन ने किया, उनको सेकंड डिग्री कर लेते और तीनों लोगों को के पे चार्जशीट लगा जाते तो इतना मसला हल ना होता। तो ये इस तरफ इनकी भी गलती है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना किस बंदे ने इसको एक हफ्ता लगाया, वो भी अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है। तो वो उसको पास ये अथॉरिटी थी कि वो 24 घंटे में कर देता, वो ट्रंप की थोड़ी सुनता है। किसने की टेलीसन को रोका था कि भाई तुम एक हफ्ते तक देखो रोलेक्स के स्टोर लुटते हुए, टारगेट लुटते हुए। तो ये इट्स अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। हर इंसान हर पार्टी इसका जो है वो पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो भी है एट द एंड ऑफ द डे इससे एक आम आदमी मुतासर हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। मंसूर साहब हमारा दिन भी ये कहता है कि जो कौम अपनी हालत ना बदलना चाहे उसके अल्लाह ताला मदद करता है, और जो कौम अपनी हालत बदलना चाहे अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं। तो अभी साजिद तारण साहब ने कहा ये बाल्टीमोर में रहते हैं, आप भी बाल्टीमोर में हैं, 7 मर्डर्स हुए और ये कहते हैं कि वहाँ पे गैंग वॉर इतनी है, रोजाना के बुनियादों पर वहाँ मर्डर्स होते हैं, आप खुद बाल्टीमोर में रहते हैं, तो काला काले को मारे ठीक है, लेकिन गोरा काले को मार दे तो मुसीबत बन जाती है। काला काले मारने की बात नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट दिस, दिस इज अबाउट जो डिस्कशन अभी हो रहा है वो फिलहाल पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में हो रहा है कि पुलिस जो है वो अपनी हद से मतलब बाहर निकल गई हुई है, राइट right? वो लिमिटलेस, वो खुद लॉलेस हो गए हैं, वो कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं वो खुद लॉलेस हो गए हैं। पुलिस का इस मुल्क में खौफ है तो कानून पे कायम है ना, हम लोग अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, पुलिस का खौफ है तो बिल्कुल ठीक है, पर उसका ये नहीं मतलब कि आप अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करें। मतलब ये मतलब जो जॉर्ज फ्लॉयड के साथ हुआ था अपनी अथॉरिटी अब्यूज की है। एंड जहाँ तक बाल्टीमोर की बात है, मैं मानता हूँ यहाँ पे एक टाइम में बाल्टीमोर नंबर वन होमिसाइड सिटी था पूरे मुल्क में, मतलब सबसे जो डेंजरस, अभी भी नंबर वन आई थिंक नंबर टू या थ्री में आ गया हुआ है, बट नंबर वन था। बट अगर आपने इस डिस्कशन में जाना है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, इस जो 100 years आपको पीछे जाना पड़ेगा। आप करंट सिचुएशन में बात करें, बट आप जो आप बाल्टीमोर के अगर अंदर जाएं और देखें कि लोग किस तरह रह रहे हैं, लाइक आप शॉक होंगे। आप हम पाकिस्तान की बातें करते हैं, इसका कसूर है ये,
ये तो उनकी अपनी चॉइस है ना सर, डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है ना, डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है और कोई नहीं। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये गवर्नमेंट का कसूर है। मैं और गवर्नमेंट में इसलिए नहीं कह रहा ओनली डोनाल्ड ट्रंप, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का कसूर है। जब आप गवर्नमेंट सर 70 साल से आप डेमोक्रेट रूल कर रहे हैं बाल्टीमोर में, जब स्लेवरी की जब स्लेव सर ब्लू स्टेट है मैरलैंड, आप ब्लू स्टेट है मैरलैंड, आप 70 साल से इसको मेयर है आप 70 साल से, और आपके सारे गवर्नर भी यहाँ पे सारे डेमोक्रेट होते हैं, तो किसको ब्लेम करेंगे आप? रिपब्लिकन आप कहाँ से स्टैटिस्टिक्स कौन सर? मैं तो सर इस लैरी होगन को मैं तो रिपब्लिकन मानते ही नहीं। रैनो है सर, इनको हम रैनो कहते हैं। मिट रामनी को हम नहीं रिपब्लिकन मानते जिस तरह आप कह रहे हैं। ये आप माने या ना माने वो रिपब्लिकन है। मेयर देखे आपकी, आपके 3 मेयर जेल गए सर बाल्टीमोर के, 3 हिस्ट्री बनाई है बाल्टीमोर के, पहले भी सर, 3 मेयर बाल्टीमोर के जेल गए हैं, ये तो एक्नॉलेज कर लें आप। आपकी बात की आपको पॉइंट नहीं मुझे समझ आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 70 साल से बाल्टीमोर का हल नहीं निकाल सके, आप खुद ब्लेम ले लेंगे। ठीक है, वैसे तो इनके पॉइंट से तो डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट है। हाँ, वो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता रहा है सर, वो तो इसलिए वो क्या बात कर रहे हैं, तो फिर ये इसके एक्शन भी डेमोक्रेट पार्टी पे डाल देते हैं सर। नहीं डेमो डालना नहीं, 70 साल से सर 3 मेयर जेल जा चुके हैं करप्शन में बाल्टीमोर के, 70 साल से बाल्टीमोर के मेयर जो वो डेमोक्रेट है, और मेरा मतलब ये मान नहीं रहे, कहते जी बाल्टीमोर तो एनजी में सैटेलाइट टाउन है। देखें बड़ी ये जो अभी मेरा ख्याल है कि अनवर साहब ने या किसी ने एक बात की थी कि आप ये बताएं कि हम लोग भी 30-35-40 साल से जो लोग इधर रह रहे हैं, ये जो रिएक्शन इस दफा आया, इतना बड़ा रिएक्शन आज तक, मैं तारा साहब की बात मानता हूँ, पहले भी ये कत्ल होते रहे हैं पुलिस के, ओबामा के टाइम पे भी हुए, क्लिंटन के टाइम पे, बुश के टाइम पे भी, लेकिन अभी आया वो कौन सा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन का लेवल इस हाल तक चला गया? वो यही है कि जो व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रेसिडेंट बैठा है, he himself believe in white supremacy. नहीं सर, that's the reason. नहीं, मैं बताता हूं उसका हल ये है, जिस तरीके से कोरोना पे सियासत खेली गई है, इस वक्त एक माइंड सेट यही समझता है कि अगर जितना ज्यादा लूटा जाएगा तो ये डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन का साल है, ये इलेक्शन हारेगा, ये वो माइंड सेट काम कर रहा है। अंतीफा को फंडिंग की जा रही है, ब्लैक लाइफ मैटर को फंडिंग की जा रही है, और सारा कुछ पीछे से हो रहा है, और वो माइंड सेट है, और बात कोई नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली, मैंने सर नहीं, आई अग्री विद यू 100% कि इसमें एक सेकंड देना मुझे साहब, ये हमारा टिपिकल माइंड सेट है जो पाकिस्तानी सोच सारी, जिसे हर चीज कंस्पिरेसी होती है, यू नो। नहीं, लेकिन इसमें आप सब इनका पॉइंट मान लो ना, इनका पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, और भाई ये पॉलिटिक्स होगी, और वाकई इसमें किसी हद तक पॉलिटिक्स होगी, लेकिन मुझे सर पाकिस्तानी हूँ ना, इसलिए तो पाकिस्तानी सोच रखता हूँ। आप फ्रेंच हैं तो यार आप अमेरिकन है ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी सोच रखता हूँ। आपको इसका एक लॉजिकल जवाब देता हूँ, मेरा इलाज यही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मान लेता हूँ। आप पाकिस्तानी नहीं है, यू आर वेलकम। थोड़ा सा मसला देखिए, जब बात पाकिस्तानी होने की नहीं है, पाकिस्तानी भाईजान ने कहा है ना कि पाकिस्तानी हर चीज में डालते हैं कॉन्स्पिरेसी डालते हैं, देखिए ना सर, अगर मैं पाकिस्तानी ये फ्रेंच है ये नहीं सर, पाकिस्तानी तैयार किया गया है ना कि सियासत बुरी चीज है, सियासत नहीं सारे में नाना करया करो, ठीक है ना, पाकिस्तान से तैयार किया गया है ना सर, सियासत बुरी चीज है, सियासत नहीं सर, आपकी हर चीज में आप असल में आप चार बंदे अगर कहना चाहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत भैड़ा बंदा है, मैं मान लेना, लेकिन ये करो लुटो ना तुसे बात तो नहीं, प्लीज नहीं मैं कहता हूँ सारा कुछ गलत है सर, मैं मान लेता हूँ, लेकिन प्लीज लुट मार बात कर दो। बात सुनने सर, बात ये कि हम रहते हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में माइंडसेट है सियासत बुरी चीज है, अमेरिका में सियासत बुरी चीज नहीं समझी जाती, किसी भी इशू को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना भी बुरा नहीं समझा जाता, एज लॉन्ग एज वो लीगल हो। आपकी ये बात दुरुस्त है कि लूट मार को आप किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक सिचुएशन क्रिएट होगी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो ये हंगामे हो, उसमें अगर जो हिजब मुखालिफ होगी उसको पूरा आईनी और कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है उसका वो सियासी फायदा उठाए, ये कोई गलत बात नहीं है, ये होगा। लूट मार ये मैं डिसएग्री करता हूँ उन लोगों से जो कह रहे हैं कि नहीं इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया, किसी भी वजह से हुआ, लूटमार की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रही बात के ट्रंप साहब नेक है या बुरे हैं या अच्छे हैं, बात नेक या बुरे या अच्छे की नहीं है, बात यह है कि ट्रंप साहब ने इश्ताल दलाने की बार बार कोशिश की, जिस तरह वो गए नहीं सर, मुझे अनवर साहब
उनके घर काल करके उन्होंने जस्टिस उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी दिलाई, और आप उसको अगर नहीं मानते तो ये अलग बात है। दूसरी बात, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, अनवर साहब असल में बात ये है, उन्होंने एक दिन पहले फरमाया था कि मैं आज कोरोना का इलाज निकाल लूं, तो आपने वो भी नहीं मानना बात। आज डोनाल्ड ट्रंप उल्टा चल के मिनेसोटा चला जाए, आपने फिर भी नहीं माननी बात। मैं अग्री करता हूँ, जो कुछ हुआ गलत किया था ना सर, गलत हुए जो पुलिस वाले ने गलत किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गलत क्या किया, उसके कॉल करके कहा कि हम उसको जस्टिस देंगे, वो जो सारा वो टियर गैस मार के वो करके सिर्फ तस्वीर खिंचवाने चर्च तक गए थे। नहीं, तो मुझे ये बताए तो अंदर घुस रहे थे जब, आप उसको सही कहेंगे जो अंदर घुस रहे थे, जो बम बना बना के कॉकटेल फेंक रहे थे, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप, वो भी गलत कहेंगे। अच्छा ये अनवर साहब, ये जो लूटिंग हुई है ना, ये लूटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कराई है। हाँ। ये अब सुन लेना गौर से। हाँ। ये पहले दिन पहले दिन थोड़ी सी लूटिंग हुई, तो माइक पेंस ने जा करके बोला कि प्रेसिडेंट साहब लूटिंग हुई, मतलब कितनी हुई, कहते ऐसे 5-10 टारगेट के स्टोरों के ऊपर किया। मेरे लग रहा कड़ी ने जड़ी पाई सी ना डोनाल्ड ट्रंप ने, वो चोरी की थी रहने टोरंटो दी। हुण सुन तो लवो ना, हुण सुनो तो सही ना, बिचो ना बोलो। अच्छा, उन्हें माइक पेंस ने कहा एवं टारगेट के 2-3 स्टोर लुटे गए ने। उन्हें कहा अच्छा, इन्हें किस तरह बधाइए? उन्हें कहा तुम कोई ना खतरनाक गलीज किस्म का बयान दो। उन्हें कहा इफ देयर इज अ लूटिंग देयर विल बी शूटिंग। वो अगले दिन 1000 गुना वध गई। वो नहीं सी वधनी, वो एक अद्धे दिन बाद खत्म हो जानी सी। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਲ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਯੂ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮਾਈ ਡੌਗਸ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਓ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਪੀਪਲ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਬਰਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਿਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਆਸਤ ਹੋਗੀ ਮਾਂ ਕੇ ਜੈਸੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਮੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟਰੁੱਥ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਗਨ ਹੋਮ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਗਾਇ ਇਜ਼ ਓਬਾਮਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ? ਓਬਾਮਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਲਟ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰਗੂਸਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਦਿਲਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਮਰਨ, ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ CNN ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਫਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਕਮ? CNN ਬੰਦ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੰਦ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਰ, ਇਟਸ ਅ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਦੇ ਵੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਚਲਾਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ। ਦੇਖਿਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦੇਖਿਏ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਹੋਏ, 80%-90% ਅਮੈਰੀਕਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੀਏ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। 90% ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਟ ਹੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੂਟਨੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ US ਕਾ $20.54 trillion ਹਮਾਰਾ GDP ਹੈ,
एंड आपने 1 बिलियन की बात की है, आप अगर देखें कि कितने लोग बाहर आए हैं, मिलियंस के हिसाब से आए, मिलियंस के हिसाब से, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड चीज थी जो आज हमने अमेरिका में देख रहे हैं। वाह। और जो नहीं, और जो लूट, मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ गलत हुई है, ठीक है, आप अगेन स्टैटिस्टिक्स देखें, हाँ। अगर 120.4 या 120.54 trillion, राइट, आप कह रहे हैं 1 बिलियन, पता नहीं वो भी ठीक है कि नहीं है, वो भी पढ़े जो तो तुसी पढ़ रहे हो, गूगल कर रहे हो, मैं भी अभी पढ़े, नहीं बिलियन तो ज्यादा हुई होगी, बिलियन तो कितने ज्यादा हुई होगी, मैं कह रहा जी 1 बिलियन हुई होगी, मेरा मतलब ये कह रहे हैं कि 90% ऑफ द प्रोटेस्ट, इसका मतलब है वो अच्छे तरीके से हुई है, प्रॉपरली हुई है, तो आप ये फंडिंग की बातें नहीं कर सकते, बस ये आपको देखिये जी, मामले का हल तो आज चार्जशीट उन्होंने पेश कर दिया अटॉर्नी जनरल ने, और उनको इससे पहले करना चाहिए था, जैसे मैंने इससे पहले नहीं, वो तो इस वाकये का हल है ना, ये जो बड़े बड़े पैमाने में बात करूं, ये जो सियाफ हमों का मामला है, इसका क्या हल है सियाफ हमों का मामला? लेकिन सियाफ हमों का मामला जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है कि इसमें कोई इस मुल्क में किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मैं आप हम सब जो बैठे हैं, हम कलर वाले लोग हैं, देखिये ना, और हम बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, हमारी जॉब्स और हमारे बिजनेस सब महफूज हैं इस मुल्क में, तो ऐसी बात करना मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है, ये ठीक है कि पुलिस के रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उनके बेहतर हो सकता है कि जैसे जो ये जो वाकया हुआ है, ये आई ओपनर है, उनको बेहतर होना चाहिए था। और राव साहब आप कहते हैं रेसिज्म नहीं है इस मुल्क में, ये कह रहे हैं, देखें ऐसी बात नहीं, सिद्धि होम्योपैथिक गल ना करो, होम्योपैथिक गल ना करो, हैगा कि नहीं हैगा दोस्तों, मैं ये समझता हूँ इस मुल्क में रेसिज्म दुनिया में किसी भी मुल्क से कम है, दुनिया में किसी भी मुल्क से कम है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है जी, ये बात तो पाकिस्तान दी, पाकिस्तान नहीं, न्यूजीलैंड से कम है, दुनिया के किसी भी मुल्क से कम है, आप समझ रहे हैं न्यूजीलैंड से कम है यार, खुदा का वास्ता, मैं समझ न्यूजीलैंड से कम है, देखा पिछले साल क्या हुआ, देखा ना आपने, नहीं उसके बाद रिएक्शन देखो ना, क्योंकि उनकी वो एक अलग चीज है, रिएक्शन जो है, रिएक्शन तो आपने देख लिया, हम सब का, मैं आपकी बात से वैसे हैरान हो गया हूं सुन के, हां आप अगर रेसिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मार लूट, मतलब अगर ये रेसिज्म की डेफिनेशन है तो फिर मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है। आप देखिए, मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा सा मिडिल या हायर इनकम एरिया में रहता हूं, हमारा मेरे बच्चे जहां जिस एलिमेंट्री स्कूल में जाते हैं, आप यकीन करें उसको उस डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल काटा किया है, मतलब यहाँ से अब 5 मिनट के फासले में थोड़ा डिफरेंट इनकम शुरू होती है, राइट, पर वो जो बच्चे हैं लार्जली अफ्रीकन अमेरिकन, वो स्कूल में नहीं जा सकते। देखिए सॉरी एक मिनट, आपने मेरी बात काट दी, देखिए लेट मी फिनिश प्लीज, श्योर, ओके, आई लिव्ड इन ब्रॉन्क्स, आई लिव्ड इन क्लीवलैंड अफ्रीकन अमेरिकन हब, ब्रॉन्क्स अफ्रीकन अमेरिकन, आई लिव्ड इन वाशिंगटन डीसी इसके नेबरहुड में, आई एम इन डैलस। देखिए बात हो रही है फेडरल पॉलिसीज की, जो लोग हैं, लोग तो आपको पता है हमारे यहाँ जो है, जो जिसका जरा सा पक्का रंग, भाई साहब फेडरल, राव साहब आप पहले बात तो सुनो, आप टॉपिक पे रहे, फेडरल पॉलिसीज की बात नहीं हो रही, फेडरल पॉलिसीज आर ऑल ग्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल ग्रेट, इट्स अ टॉक अबाउट माइंडसेट, अब आ जाओ, नहीं फिर आप मेरी बात सुने ना, देखिए मैं क्यों सुनूं, मैं आपकी, राव साहब आपकी बात सुन लो ना, सुन लो आपकी बात क्यों सुनूं अगर आप टॉपिक पे ही नहीं हो, आप टॉपिक पे आओ ना, टॉपिक पे आओ, रेसिज्म की बात माइंडसेट की हो रही है, अब आप बात करो, देखिये माइंडसेट की बात मैं दोबारा कहूंगा, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड पूरी दुनिया के करें जो मेरे नाकोसल में है, मैं पाकिस्तान से कम रेसिज्म यहाँ देखा है, बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, तो इस वजह से अगर आप इसका किससे मुकाबला करना चाह रहे हैं, अगर आपने मरीज से मुकाबला करना है तो ठीक है आप जीत के, लेकिन अगर आपने एक आम मुल्क, एक आम ऐसा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उसका मुकाबला करना है जहाँ हर कलर को अपॉर्चुनिटीज मैसर है, आप इंग्लैंड से कर लें, आप इंग्लैंड से कर लें, आप न्यूजीलैंड से कर लें, बहुत बेहतर है, आप इंग्लैंड से बहुत बेहतर है, एब्सोल्युटली इंग्लैंड से बहुत बेहतर है भाई, ये मैच जो है, बहस उलझ गई इसको आगे बढ़ाएं, हां जी बहस उलझ गई इसको आगे बढ़ाएं, बस मेरा ये मौका है कि जो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा आस्ते आस्ते, जो चीजें बेहतर होती जाती है, ये आई ओपनर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप इससे इस मुल्क के ऊपर उंगली उठाएं तो मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब बात है।
ये है, आप गौर से सुन लेना आप सब लोग जरा थोड़ा सा ना, कि एक सीन ये है कि चार पुलिस वाले हैं, बंदे को हैंडकफ किया हुआ है, नीचे उल्टा लटकाया हुआ है, गर्दन के उसके ऊपर गोडा रखा हुआ है, और दो बंदे एक इधर खड़ा है, दो उधर खड़ा है, तीन उसके ऊपर खड़े हैं, और बंदा उस वक्त अपनी उस माँ को बुला रहा है जो दो साल पहले की मर चुकी है. वेयर द हेल इज मर्सी? इज दिस द पुलिस यू वांट? इस तरह की पुलिस को 100% फायर कर देना चाहिए, 100%. हमें ये पुलिस चाहिए ही नहीं, उसके बगैर ज्यादा बेहतर हो जाएगा काम. सर मेरी गुजारिश ये है, मैं अनफॉर्चुनेटली बाल्टीमोर में रहता हूँ, दो दफा ला स्कूल गया हूँ. बड़ी बड़ी मार खादी कालिया, तो सारा स्टार्ट मैंने बाल्टीमोर सिटी से लिया है मेरे पास इसका. और आखिर में ये कहूंगा कि अगर बराक ओबामा कालिया वास्ते कुछ नहीं कर सके तो मेरे को हाल है रहा. सर बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का, हमारा प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चला इतना लंबी वाली गुफ्तगू चलेगी. जहां से मिलेगा वॉशिंगटन डीसी से ज्यादा दीजिएगा.